बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल बड़ा क्लासेस में। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी? आज मोशन चैप्टर का पार्ट टू यानी फर्स्ट क्लास तो लास्ट डे हम लोग देख चुके हैं। आज पार्ट टू होगा जिसमें हम लोग आज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि मोशन होता क्या है, रेस्ट किसे कहते हैं या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम भी हम लोग देखे थे। आज चलो हम लोग वेलोसिटी और स्पीड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और अच्छे से फिर न्यूमेरिकल भी बनाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। अच्छे से पढ़ो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द निर्मला क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अब पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अभी हम लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस कहते किसको है, अगर रिविजन करें तो क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कोई भी जो पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, जो एक्चुअल पाथ होता है, वही क्या है, उसका डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जब कोई दो फिक्स पॉइंट के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वही क्या कहलाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले सबसे पहले यह समझते कि स्पीड होता क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो कुछ ना कुछ उसका, अगर कहें जैसे कि हम स्पीडोमीटर एक अगर कहें, जैसे बाइक चला रहे तो बाइक में एक रीडिंग लिखा हुआ रहता है कि 75 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो पर आवर कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है क्या, ये एक स्पीड मेजर है, यानी एक डिवाइस है जो स्पीड को मेजर करता है। ये स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ कि इकाई समय में, यानी इकाई समय एक क्षण में, एक एक टाइम में, यानी एक समय में जो डिस्टेंस कवर होता है, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है, वही उसका स्पीड है। और डिस्टेंस में ये मेंशन नहीं होता है कि उसका डायरेक्शन क्या है, कि हमें किधर जाना है वो मालूम नहीं होता है। जब डायरेक्शन मालूम ना हो तभी वह स्पीड कहलाएगा। ठीक है, और जब डायरेक्शन मालूम नहीं हो, सिर्फ जैसे कि वैल्यू मालूम हो, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो एक वैल्यू जो है, वो सिर्फ वैल्यू के कारण उसका मैग्नीट्यूड हुआ, इसके कारण से उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी जो स्पीड है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसको इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, वी के रूप में किया जाता है, स्मॉल वी लिखते हैं। अगर स्पीड का बात करें तो स्मॉल वी के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। अगर ऐसा यूनिट का बात करें तो हम इससे पहले हम बता चुके हैं, जब यूनिट एंड डायमेंशन, जब हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट जब पढ़ रहे थे तो उसमें स्पीड का यानी बहुत सारे का मैंने ये बताया था कि कैसे ऐसा यूनिट्स निकालते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है। तो अगर कहें तो कहता है, ये डिफिनेशन ये कहता है कि जितना डिस्टेंस कवर किया उसमें लगे समय से अगर इसको भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो स्पीड कहलाता है। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि अगर हम कहें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, एक लेंथ होता है, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेंथ। और लेंथ को मेजर किससे करते हैं, मीटर से। लेंथ को मेजर किससे करते हैं, मीटर से। नीचे में क्या है, टाइम। टाइम को किससे मेजर करते हैं, सेकेंड से। जब ये सेकेंड है और ये मीटर है, यानी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा, द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। और मीटर को एम से लिखते हैं, सबका सिंबल बता चुके हैं, सेकेंड को एस से। तो एसआई यूनिट क्या हो गया, स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसको अगर डिफिनेशन को फॉर्मूला वाइज सोचे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को किससे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी से। स्मॉल वी डिस्टेंस भी से पहले बताए थे, या तो डी से करो या तो एस से करो, स्मॉल एस से, एस बाय टी। अब देखो होता क्या, जब अभी एक बात उठा कि सर आप बोले क्या, जो डिस्टेंस, जब ऐसा सिचुएशन है जिसमें डायरेक्शन नहीं हो ओनली मैग्नीट्यूड हो, बट सर अगर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड हो तब क्या, अगर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी रहे तब उसको कहते हैं वेक्टर, और उस कंडीशन में, उस समय जो मोशन रहता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन
गिवन डायरेक्शन, एक गिवन डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तब उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट, इसका भी ऐसा यूनिट वही होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। बिकॉज इसमें भी क्या होता है, डिस्टेंस कवर होता है और टाइम लगता है। जब डिस्टेंस कवर होता है तो डिस्टेंस को जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को क्या करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड हुआ। अब बात उठता है कि सर इसमें तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड कैसे, जैसे कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया, जैसे 30 मीटर इन 5 सेकेंड सपोज, और विथ डायरेक्शन टुवार्ड्स नॉर्थ, यानी नॉर्थ की ओर 30 मीटर किया 5 सेकेंड में, यानी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। सिंपल लॉजिक में ये सोचेंगे कि स्पीड में वैल्यू मैग्नीट्यूड रहता है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन भी रहता है। स्पीड को जब मेजर करते हैं उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड लिखते हैं, और वेलोसिटी को भी जब मेजर करते हैं उसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड लिखते हैं। और स्पीड और वेलोसिटी का जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है दोनों को स्मॉल वी से ही किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ एस वी बराबर एस बाई टी है, यहाँ भी वी बराबर एस बाई टी ही है। एक चीज ध्यान देना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्टेंस कवर द डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन डायरेक्शन, यानी एक निश्चित दिशा में जब डिस्टेंस कवर किया जाता है ना तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जैसे हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी एक डायरेक्शन फिक्स होता है कि हमें किधर जाना है। तो यानी इसको हम ऐसे भी सिर्फ डिफिनेशन के तौर पे डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। टाइम टेकन का मतलब कितना टाइम इंटरवल है, यानी टाइम कितना लगा। हम लोग फॉर्मूला के रूप में यही याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसको जो रिप्रेजेंट किया गया है ये तुम नहीं भी लिख सकता है। ठीक है, अब ये क्यों लिखे थे इसको भी समझाते हैं। अब एक बात उठता है कि सर देख के हम कैसे समझेंगे कि कोई क्वांटिटी स्केलर है और कोई क्वांटिटी वेक्टर है। तुम लोग को तो वैसे क्लास 9 में वैसे रिप्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, फिर भी जान लो कि डिफरेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन में। तो एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड रहता है और उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, बट वेक्टर क्वांटिटी में उसी मैग्नीट्यूड के ऊपर एरो लिखा दिया हुआ रहता है। जैसे कि जो मैग्नीट्यूड सेम मिल रहा है और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर में एक एरो दिया जाता है, इसी के कारण ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी क्वांटिटी में अगर एरो ऊपर में लगा दिया जाए तो वो रिप्रेजेंटेशन के तौर पे वेक्टर के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल अभी हमने बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखा कि कॉन्सेप्ट में मैंने ये पढ़ा कि स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड को कहेंगे क्या, द एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एंड इसको वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर ऐसा घटना रहे, यानी जब शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है और यूनिट टाइम इंटरवल में, तो उसको कहेंगे वेलोसिटी। और इसमें जब कोई एक्चुअल पाथ को कोई कवर कर रहा है और किसी यूनिट टाइम में, तो उसको कहेंगे स्पीड। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हम लोग बनाते हैं और उसके बाद बनाने भी। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोग दो कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। एक स्पीड के फॉर्मूला के रूप में क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये दो फॉर्मूला का हम यूटिलाइज करेंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता है, इफ ए पर्सन वॉक 600 मीटर इन 2 मिनट्स देन फाइंड इट्स स्पीड। सबसे पहले ये बात समझ लो, जब भी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बनाना चाहते हैं तो कोशिश करना, अगर ऐसा हो सके तो उस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख दो। ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकता है तो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दो, और जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है उसको लिख दो, तब हमें प्रोसेस वाइज करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले ये सोचो कि गिवन क्या है। वी हैव टू गिव है, वी हैव टू, क्या है गिवन, ये मीटर किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, डिस्टेंस का। ठीक है, तो डिस्टेंस को एस लिखो या डी लिखो, एस लिखते हैं 600। चलो, और
टाइम का कौन कौन सा सिंबल है? टाइम को हम लोग सेकेंड में भी करते हैं, मिनट में भी करते हैं, आवर में भी करते हैं, डे में भी करते हैं, मंथ में भी करते हैं, ईयर में भी करते हैं, ठीक है। ये सब हमारा टाइम का इंटरवल है। तो देखो यहाँ पर कि 600 मीटर इन 2 मिनट्स, सर 2 मिनट्स को टाइम कैसे समझे? क्योंकि टाइम ही सबके रिलेशन में होता है, तो मिनट इसमें है, तो हम समझेंगे कि हमें टी दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चे लोगों को ये दिक्कत आता है कि गिवन क्या है, उसको क्या रिप्रेजेंट करें और क्या फाइंड आउट करना, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे अभी कुछ नहीं जानते, एकदम वो बिगनर्स है, तो बिगनर्स के तौर पे सोच रहे हैं। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि बिगनर से एडवांस लेवल तक मैं बताऊं, और जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होते जाए और अच्छा से अच्छा सवाल तुम लोग सॉल्व कर सको। तो देखो कि टाइम क्या है, टाइम अगर देखें तो 2 मिनट, ठीक है, टाइम तो 2 मिनट है। अब कहेगा सर फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड करना है, वी हैव टू फाइंड स्पीड। फाइंड क्या करना है, स्पीड, यानी स्पीड को किसे लिखते हैं, वी से। अब ध्यान दो, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर में तो है, क्या ये सेकेंड में है? नहीं है। बहुत ज्यादा यहाँ पे ये गलती कर देता है, लिख देता है क्या फॉर्मूला, तो जानते हैं एस बाय टी होता है, एस में लिख देता है 600 एंड टाइम में लिख देता है 2 और 300 लिख देता है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा यूनिट को ध्यान में रखकर बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो सेकेंड होना चाहिए, और सेकेंड होने के लिए क्या होगा, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 120 सेकेंड। जब 120 सेकेंड हो गया, अब करो ये क्या हो जाएगा, अगर करें एस इक्वल टू 600 एंड सेकेंड क्या है 120 कटेगा। तो इससे पता चल गया जो स्पीड ऑफ द पर्सन है क्या 5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब देखो उसको, फिर वही बात, क्या गिवन है, गिवन को लिखने की सबसे पहले कोशिश करो। अहमद इज मूविंग इन हिज कार विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना किलोमीटर पर, यानी अहमद जो है वह कार में मूव कर रहा है, कार में मूव कर रहा है, उस कार का स्पीड क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है ना, वेलोसिटी जो दिया हुआ है, वेलोसिटी को भी बी से ही लिखते हैं, वेक्टर दो या ना दो, इसीलिए वेक्टर अभी यहां नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग खासकर 9th में वेक्टर सिंबल जो ऊपर में जो होता है इसका यूज नाम के बराबर करते नहीं करते, बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया कि कब स्केलर क्वांटिटी होगा, कब वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो तुम भी लिखो, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में इसी भी बात होगा। तो भी कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर, यानी वो पर्सन अहमद जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें डिफाइन करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, एस लिखो या डी लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पर सोचते हैं, पहले थोड़ा सा साफ कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पर सोचते हैं, क्वेश्चन नंबर ए में क्या करता है, इन वन मिनट, एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये सोचो कि ये क्या है, स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में। अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, वैसे तो बच्चे लोग क्लास 8 में या इससे पहले भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलने जानते हैं, या अलग अलग रूप में बदलने बताया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं। पहले निकालना कि ये टाइम क्या हो गया, टाइम इक्वल टू वन मिनट, ठीक है। अब ये सोचो कि हम जानते क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही चीज है। टाइम वेलोसिटी क्या है, अब जब हम वेलोसिटी अगर कहा जाए 45 किलोमीटर
पर आवर है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ डिस्टेंस बोल देते हैं, क्योंकि सेम ही चीज होता है, टाइम इन वन मिनट। ध्यान से देखो, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो मिनट में किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप चेंज इस रूप में करिए कि ये जो आवर है ना मिनट में आ जाए, या दूसरे रूप में कर लो, चाहो तो सेकंड में भी कर सकते हो, लेकिन मिनट में ही कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 45, अब किलोमीटर को बदलो मीटर में 1000, क्योंकि एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है, ठीक है। और डिवाइड में आवर है, डिवाइड में आवर है, तो आवर को मिनट में बदलते हैं तो क्या होता है, 160, ठीक है। डिस्टेंस बाय वन, यहाँ 60 मिनट हो गया ना, 1 मिनट, ये क्या हो गया, मीटर में हो गया, मिनट मिनट कैंसिल, अब ये जीरो कैंसिल, 2 से 50, इसीलिए डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 750 मीटर, 750 मीटर इन 1 मिनट। ये किसका आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड का देखो, सेकंड में क्या है, कहता है कि जब ऑब्जेक्ट 45 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको निकालेंगे। तो एक सेकंड टाइम पीरियड क्या है, इन 1 सेकंड, ठीक है। अब 1 सेकंड मतलब t = 1 सेकंड। अब ये सोचो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 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 45 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। अब ये सोचो 45 × 1000 मीटर में आ गया। अब आवर को किसमें करना है, पहले तो आवर को 60 मिनट में इसलिए किए थे क्योंकि मुझे टाइम पीरियड मिनट में मानना था, बट अब क्या करें, अब आवर को सेकंड में बदलो। अब ये बताओ एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। डिस्टेंस अपॉन 1 सेकंड, कट गया ये सेकंड सेकंड। अब ये सोचो ये 2 जीरो ऊपर में कट जाएगा, 95 जा 94 जा, ठीक है। अब उस हिसाब से सोचो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 550/4, ये हो जाएगा 12.5 मीटर, ये आंसर हो गया। यानी एक सेकेंड में जो अहमद है कार से 12.5 मीटर कवर करता है, जबकि एक मिनट में 750 मीटर कवर करता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तुम लोग को भी घर से होम असाइनमेंट में मैं कुछ वर्क दे दूंगा जो इसके रिलेटेड होगा, उससे उसके अकॉर्डिंग हम लोग न्यूमेरिकल्स और भी देखेंगे। पहले ये उतार लो, उसके बाद हम लोग एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड को देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज नाम से ही जाहिर है, एवरेज का मतलब औसत, यानी टोटल, एवरेज का मतलब टोटल। जैसे कि मान के चलो अगर हम एवरेज के बारे में मैथ में क्या जानते हैं, तो मैथ में ये जानते हैं कि बहुत सारा डाटा होता है, जैसे कि क्रिकेट मैच में, जैसे कोई क्रिकेटर 5 मैच खेलता है और हर एक मैच में कभी 30, कभी 80, कभी 100+ ऐसे करके रन बनाता है, उसका कब है, कैसे एवरेज निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जितना इनिंग्स खेला है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो वो एवरेज निकालने का तरीका है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, एवरेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि टोटल डिस्टेंस जब कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया जाएगा, ट्रेवल किया जाएगा, उसमें कितना टाइम लगा उससे जब डिवाइड कर देते हैं तो वही उसका एवरेज स्पीड हो जाता है।
तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, यानी टोटल डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा जब उसका रेशियो निकाल देते हैं तो वही उसका क्या है, एवरेज स्पीड है। लेकिन अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे जस्ट डिफरेंट है। इसमें क्या है कि जो स्पीड जो है जब वैरी करता है, वैरी का मतलब चेंज करता है, हो सकता है कि वेलोसिटी कभी 40 रहा हो कभी 60 रहा हो कार का, जैसे क्राउडी प्लेस पे हो सकता है स्पीड उसका 30 रहा हो, जब फ्री रोड मिला हो तो उसमें 70-80 के आसपास उसका स्पीड रहा हो, तो उसके कारण जो एवरेज जब निकाला जाएगा तब उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड को और लास्ट टाइम जब हम मेजर करने जा रहे हैं फाइनल स्पीड को एड करके उस दोनों के बदले, यानी दो टर्म है उस टू से डिवाइड कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी। यानी सिंपल सा लॉजिक है, जब दो नंबर को जोड़ के एवरेज निकालते हैं क्या करते हैं, सम ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय टू, जितना भी नंबर जोड़ते हैं उसको उतना नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो वही बात है कि एवरेज वेलोसिटी में क्या करेंगे कि टोटल जितना वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का सम करके डिवाइडेड बाय टू, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का सम करके अपॉन टू कर देंगे, उससे क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। When a body is moving along a straight line at a variable velocity का मतलब जिसका velocity change कर रहा है, time to time vary कर रहा है, the average velocity of the body for this period यानी इस समय पर is arithmetic mean। arithmetic mean का मतलब जो mathematical mean है, mathematics में हम लोग जो mean निकालते हैं उसी के according चलेंगे, arithmetic mean of initial velocity and फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का जो मीन निकलेगा वही हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे और किस टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है और डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी के कारण क्या डिस्टेंस निकाला जा सकता है ग्राफ के थ्रू, तो वो भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस को देखेंगे। और जहां तक बात रहा कि जो इसका ग्राफ क्या होता है, वो ग्राफ का टॉपिक एक अलग बना के रखे हुए हैं, उसको अलग से बता देंगे, यानी सारे का जब ग्राफ बताना होगा जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्लास से भी अगले क्लास से स्टार्ट होगा, वो सभी का ग्राफ एक स्लॉट में बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, तो उससे अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो न्यूमेरिकल्स को ही देखेंगे। ठीक है, गुड बाय।